नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। अमर कथा महाभारत का एक और ऐसा पात्र लेकर जिसके बारे में आपने बहुत कुछ नहीं सुना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह अमर कथा इतने विस्तृत और सही ढंग से लिखी गई है कि इसके प्रत्येक पात्र को जानकर आपको अति आश्चर्य होता है। एक एक पात्र अपने आप में अनेकों रहस्य समेटे हुए है। एक एक पात्र एक से बढ़कर एक है। ऐसा ही एक पात्र है भागदत्त, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ तो नहीं सुना होगा, परंतु महाभारत में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह वह पात्र है जो अर्जुन से अकेले 8 दिनों तक युद्ध करता रहा। यह प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा तथा नरकासुर का ज्येष्ठ पुत्र था। श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर भागदत्त को सिंहासन रूढ़ कराया था। वहीं श्री कृष्ण ने भौमासुर द्वारा राजाओं को जीतकर हारी गई 16,000 राजकन्याओं को देखा। उन्होंने सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर पालकियों द्वारा उन राजकन्याओं को बहुत से घोड़ों तथा ऐरावत कुल में उत्पन्न हुए चतुर्दंत 64 सफेद हाथियों को द्वारिका भेजा। युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ के समय भागदत्त अर्जुन से 8 दिनों तक लड़ा, पर अंत में परास्त होकर उसने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। महाभारत के युद्ध में भागदत्त कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ और उसने अनंत वीरता का प्रदर्शन किया। महाभारत युद्ध में भागदत्त और अर्जुन का जब सामना हुआ तो उसका वर्णन इस प्रकार है। जब भागदत्त और अर्जुन का घमासान युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भागदत्त के धनुष को काटकर उसके तुणीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तुरंत ही 72 बाणों से उसके संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। अर्जुन के उन बाणों से घायल होकर अत्यंत पीड़ा को भागदत्त ने वैष्णवास्त्र से मिटाने की कोशिश की। भागदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया। उसने कुपित हो अपने अंकुश को ही वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके पांडुनंदन अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भागदत्त का छोड़ा हुआ अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उसे सहन कर लिया। श्री कृष्ण ने तदनंतर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भागदत्त के उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से नष्ट कर दिया है। अब वह इस अस्त्र के दूसरे उपायों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पार्थ, अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो चुका है, अतः तुम उसका वध कर डालो। महात्मा केशव के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन उसी समय भागदत्त पर सहसा पैने बाणों की वर्षा करने लगे। महाबाहु महामना पार्थ ने बिना किसी घबराहट के भागदत्त के पराक्रमी हाथी सुप्रतीक के कुंभ स्थल में एक नराज का प्रहार किया। वह नराज उस हास्ती के मस्तक पर पहुंचकर उसे प्रकार लगा जैसे वज्र पर्वत पर चोट करता है। जैसे सर्प बांबी में समा जाता है, उसी प्रकार बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख सहित समा गया। वह हाथी बारंबार भागदत्त के हांकने पर भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। जैसे दुष्टा स्त्री अपने दरिद्र स्वामी की बात नहीं मानती, उस महान गजराज ने अपने अंगों को निश्चेष्ट करके दोनों दांत धरती पर टेक दिए और आर्थ स्वर में चित्कार करके प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण ने गांडवधारी अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, यह भागदत्त बहुत बड़ी अवस्था का है। इसके सारे बाल पक गए हैं और ललाट आदि अंगों में झुर्रियां पड़ जाने के कारण पलकें झपी रहने से इसके नेत्र प्राय बंद से रहते हैं। यह शूरवीर तथा अत्यंत दुर्जय है। इस राजा ने अपने दोनों नेत्र को खुले रखने के लिए पलकों को कपड़े की पट्टी से ललाट पर बांध रखा है। भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भागदत्त के सिर की पट्टी अत्यंत छिन्न भिन्न कर दी।
उस पट्टी के कटते ही भागदत्त की आंखें बंद हो गई। फिर तो प्रतापी भागदत्त को सारा जगत अंधकार में प्रतीत होने लगा। उस समय झुकी हुई गांठ वाले एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा पांडुनंदन अर्जुन ने राजा भागदत्त के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। क्रीटधारी अर्जुन के द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिए जाने पर राजा भागदत्त ने प्राण शून्य हो अपने धनुष बाण त्याग दिए। उसके सिर से पगड़ी और पट्टी का वह सुंदर वस्त्र खिसक कर गिर गया, जैसे ही कमलनाल के ताड़न से उसका पत्ता टूट कर गिर जाता है। सोने के आभूषणों से विभूषित उस पर्वताकार हाथी से सुवर्णमालधारी भागदत्त पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो सुंदर पुष्पों से सुशोभित कनेर का वृक्ष हवा के वेग से टूटकर पर्वत के शिखर से नीचे गिर पड़ा हो। इस प्रकार इंद्र कुमार अर्जुन ने इंद्र के सखा तथा इंद्र के समान ही पराक्रमी राजा भागदत्त को युद्ध में मारकर कौरव सेना के अन्य विजयाभिलाषी वीर पुरुष को भी उसी प्रकार मार गिराया जैसे प्रबल वायु वृक्षों को खाड़ फेंकती है। नमस्कार दोस्तों, यह था महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बलशाली योद्धा भागदत्त। आशा करता हूं आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाने से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।